तुझे पति का मिल जाएगा। मैंने उनसे पूछा ये बताइए कि जो पति उसको दान दहेज के लालच में लेके गया है वो अपनी जायदाद को उसका कागज बनवाएगा? नहीं, कागज तो नहीं बनवाएगा। तो मैंने कहा फिर कैसे मिल जाएगा? क्या वो पति को बताए बिना उसकी जायदाद बेच सकती है? नहीं जी, ये तो नहीं हो सकता, तो परिवार की है। सारे आर्ग्यूमेंट देंगे, फिर आखिर में आते जी एक मकान है और बहन एक भाई उसमें रह रहा है, बंटवारा हो जाएगा तो कैसे होगा, वो कहाँ जाएगा भाई दर दर की ठोकर। फिर मैं उनसे पूछती भाई अगर आप दो भाई होते तो भी उसी मकान में बंटवारा कर रहे होते तो फिर वो कैसे करते हैं? तो वो तो हम लोग आपस में कर लेते हैं। तो बहन को नहीं देने का जो मामला है वो इतना गहरा है और इसमें माएँ साथ आती हैं, इसमें परिवार की महिलाएं साथ आती हैं, जो प्रौढ़ महिलाएं हैं इसमें साथ आती हैं। तो जब भी नारी विमर्श अगर अपने ही हद तक रखना है तो उसके लिए भी यही है कि जब भी नारी विमर्श सूझे हम में से किसी को, हम यही से तय कर सकते हैं कि आपने समान शिक्षा, समान खान पान, दूसरी बात जायदाद में समान अधिकार, और किसी बात जो डिसीजन मेकिंग है घर के बड़े फैसले हैं, कौन सी दुकान रखी जाएगी, कौन सी बेची जाएगी, कौन सा कारोबार, उसमें आपने विवेक पैदा करने के लिए उसको साथ रखा है या नहीं रखा है। एक कमजोर बेटी हर सारी उम्र हर रोल में कमजोर रहेगी और एक मजबूत बेटी, देखिए लक्ष्मी बाई और झलकारी बाई घर में पैदा की जाती है। लक्ष्मी बाई ने अपने बचपन में बाघ से लड़ाई अपने घर में की थी, कुंवारेपन में। झलकारी बाई ने पूरी सेना की ट्रेनिंग अपने घर में की थी, वो अचानक नहीं हो जाती है। तो आप एक कमजोर महिला को घर से बाहर जब आप दुनिया में लॉन्च करते हैं, समाज में लॉन्च करते हैं, तो वो हर जगह हारने वाली है, वो अपनी इज्जत नहीं बचा पाएगी। जितना बेटे को ये विश्वास है कि अगर मेरे साथ बेइज्जती का व्यवहार हुआ, अगर मेरे साथ बराबरी नहीं हुई तो मैं बॉस की नहीं सुनूंगा, लात मार के आ जाऊंगा नौकरी से, बेटी को ये बेटी के अंदर ये बल नहीं होता, ये संबल नहीं होता है। बेटी नहीं ये नहीं सोच सकती कि अगर मैंने घर जाकर के ये छेड़छाड़ की घटना के बारे में घर में बताया तो मुझे कोई गारंटी नहीं है कि घर वाले मुझे ही बंद करके रखते हैं और कहें कि तुम्हें बाहर नहीं जाना है, तुम्हें ऐसी नौकरी नहीं करनी है, तुम्हें ऐसी जगह पर निकलना नहीं है। तो ये जो विश्वास आप अपने बेटे को देते हैं कि तुम इज्जत पर बात आए तो लात मार के चले आना, हम हैं, या ये जो कुछ भी पीछे है वो तुम्हारा है, नए सिरे से शुरू करेंगे, ये विश्वास हम अपने बेटे को नहीं देते। तो पर्सनल लेवल पर भी हमारी नारीवाद फैशन ज़्यादा नारीवाद है, वो उन जो एनलाइटनमेंट की वैल्यूज की बात कर रही थी ना उन यूनिवर्सल वैल्यूज से जुड़ पा रहा है, ना हमारे अंदर जो परिवार के अंदर हर रोज घटित हो रहा है। आज भी लड़कियों को मैं देख रही हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा दहेज लेने के पक्ष में चली गई है, सिर्फ इसलिए कि उनके बाद में कुछ और मिलना नहीं है। ऐसी लड़कियों से, महिलाओं से जब भी आप बात कीजिए आपको पता चलता है कि यही तो समय है, यही हमें मिलेगा तो उसके बाद तो हमें कभी कुछ मिलना नहीं है। तो ये एक उसी तरह का जो परवर्जन डेवलप हुआ है कि गोल्ड सूप और पूरा शादी का बाजार और दहेज और ये सब, मुझे लगता है पर्सनल भी और सामाजिक स्तर पे भी दोनों जगह पर नारीवाद है लेकिन आधुनिक नहीं है, वो स्व केंद्रित है, आत्म केंद्रित है। तीसरी बात यह है कि जितने भी हमारे पास किताबें हैं, आजकल बड़ा फैशन है कि हर आदमी कुरान को और पुराण को दोनों को साइंस की बुक साबित करना के लिए लगा हुआ है कि ये बुक ऑफ साइंस है। साइंस जो आज कह रही है वो कुरान ने उस वक्त कह दिया, जो साइंस आज कह रही है वो भी दोनों उस वक्त लिखा गया था। ये जो होड़ है ये क्योंकि साइंस इस वक्त इज्जतदार स्ट्रीम है, साइंस की चलती है, साइंस ने हमारे दिमागों को कायल कर दिया है। इसलिए अगर कल को कविता उस जगह पर आ जाए, आप लोग जब बात कर रहे थे, अगर कल को कविता उस जगह आ जाए तो ये सारी ग्रंथ कविता हो जाएंगे। फिर कल को कुछ और तो दर्शन आ जाए, फिलॉसफी आ जाए, तो ये सारे ग्रंथ हाई फिलॉसफी हो कहलाएंगे। तो जो चीज़ चलती है उसी साँचे में अपनी प्रिय चीज़ों को ढालने लगते हैं। अभी साइंस का सिक्का चल रहा है तो हर आदमी अपने धर्म की किताब को साइंस कहना चाहता है, लेकिन ये साइंस की किताबें तो नहीं ही है। लेकिन ये बुक ऑफ विजडम में भी जब हम जाते हैं कि आर के बुक ऑफ विजडम्स, क्या इन्होंने जाहिर है किसी समय में जो इंसानियत का जो कारमा है उस दौर में इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया इन किताबों ने। लेकिन इन किताबों से अगर हम ये उम्मीद करें कि ये बराबरी की शिक्षा दे रही है, इन किताबों से हम ये उम्मीद करें कि ये किसी भी तरह का यूनिवर्सल, मतलब मैं तो मौलाना से हमेशा ये बात कहती हूँ अपनी डिबेट्स में भी कि आज जो आपका जो कुरान है, जो उस वक्त की मोरालिटी है, कुरानिक मोरालिटी है या किसी भी रिलीजियस की जो मोरालिटी है, वो आज का क्राइम है। आप सोचिए कि अगर इब्राहिम अलैहि सलाम ने जिन्होंने अपने बेटे को लिटा दिया अपने आस्था में और काटने लगे और उसकी जगह दुम्बा कट गया, जानवर कट गया और उसकी वजह से कुर्बानी होती है, आज अगर ये करें तो वो बेटे को काटे या ना काटे ऐसा सोचने के लिए और मिटाने के लिए वो तो अंदर चले जाएंगे, ह्यूमन राइट्स और चाइल्ड राइट्स में चले जाएंगे अंदर। तो ये जो उस वक्त की जो मोरालिटी थी वो आज का क्राइम है। तो वो सारी मोरालिटीज एक साथ हम पर थोपी जाती रहे और हम साइंस 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 करते रहे, फिर हम वो ये भी कहते रहे कि हम आधुनिक हो रहे हैं।
ये होना नहीं है हम लोगों को, क्योंकि वर्क फ्रॉम है, मैं अपनी बात से बात करूंगी, लेकिन हर जगह चाहे वो धर्म हो चाहे वो परंपराएं हो, मैंने एक परंपराओं की एक लिस्ट निर्भया कांड के बाद बनाई थी, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी मुझे समझ में आता था याद आया उसकी एक लिस्ट बनाई कि ये सारी परंपराएं वो हैं जो औरत को कमतर बनाती हैं, जब तक ये परंपराएं रहेंगी औरत पुरुषों की नज़र में कमतर रहेगी, हो सकता है वो अपनी बहन बेटी बीवी माँ को छोड़ दे लेकिन बाहर की औरत को वो ऑब्जेक्टिफाई करता रहेगा क्योंकि कमतर है औरत, यहाँ वो तरस खा के नहीं कर सकता। तो उस पर मेरे ऊपर मुकदमा हो गया और नॉन अवेलेबल मामला हो गया। हमारा जो स्टेट है वो हाईली पैट्रियार्कल स्टेट है और हाईली पैरोकियल स्टेट है, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप आधुनिक बने। हम पर सारी आधुनिकता अंग्रेजों की देखा देखी और नेहरूवियन जो मोरालिटी है उसकी देखा देखी जरूर हम पर लाई गई, वो बुरी बात नहीं हुई, वो तो जरा सा कुछ मिला है हमें बिना लड़े मिल गया एक तरह से, शायद इसीलिए हम उसकी इज्जत भी नहीं करते हैं, बिना लड़े हमें मिल गया, लेकिन वो जरूरी है कि जो सामाजिक हम मंथन होने की जरूरत थी जिससे अपने मंथन से भी हम कुछ निकालते, वैसा कुछ हुआ नहीं है। तो आज के समय में नारीवाद जब जब प्रॉब्लमेटिक, मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक टर्म लगता है, जब जब हम सोचते हैं कि किसी एक घटना से हम तय करें, चाहे वो मराला यूसुफजई की घटना हो चाहे वो किसी और तरह की घटना हो, इतना बड़ा जमावड़ा निर्भया के बाद दिल्ली में खड़ा हुआ, देश भर में खड़ा हुआ कि उसके लिए वो हो, लेकिन हम वहीं से अपना काम छोड़ करके फिर उसको भूल के मतलब फैशन की तरह करना और उसको आगे बढ़ जाना। तो ये नारीवाद मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आत्मचिंतन की उसको इस वक्त दरकार है, वो अपने आप को समझे कि वो नारीवाद हर एक का, मेरा अपना आत्म केंद्रित होगा, सवर्ण महिला का अपना आत्म केंद्रित होगा, मुसलमान कश्मीरी महिला का अलग होगा और मुसलमान केरला की महिला का अलग होगा, जो यूनिवर्सल वैल्यूज है हम उनको इम्बाइब नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक वो नहीं होता है आधुनिकता के साथ, मुझे नहीं लगता इस समय भारत के नारीवाद को हम जोड़ सकते हैं। शुक्रिया।